वेलकम टू द परफेक्ट क्लास। आज हम सीखेंगे के मेथड। ये क्वेश्चन दे रहा है, के मेथड का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन दे रहा है इफ ए रेशो बी सी रेशो डी प्रूव दैट ए क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में ए स्क्वेयर बी प्लस सी स्क्वेयर डी इजिकल टू ए बी प्लस सी डी अपॉन में बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। हमें क्वेश्चन दे रहा है तो हमें सॉल्व करना है यूजिंग के मेथड। के मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम शुरू करते हैं। तो ये हमें दे रखा है इफ, तो हमें इससे सॉल्व करना है। ये हम के मेथड हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ये हमें जो दे रखा है, तो ये ले लेंगे ए रेशो बी और सी रेशो डी। तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा इसे के रूप में। तो ए अपॉन बी हो जाएगा, ये इजिकल टू सी अपॉन डी हो जाएगा, और इजिकल टू रखेंगे के में के, क्योंकि हमें चाहिए के। तो के रखना, अब यहाँ पर इसे हम कैसे लिखेंगे, ए अपॉन बी है तो ये हो जाएगा ए बराबर बी के, मतलब बी और के। ए अगर है तो उसके अपान वाला आ जाएगा साथ में बी और के, और सी के अपान में आ जाएगा डी है तो ये हो जाएगा सी बराबर डी के। तो हमें अब मिल गया है कि ए बराबर बी के होगा और सी बराबर डी के। ये वैल्यू हम इसमें रखने वाले, तो हम लेंगे पहले एल एच एस ले लेंगे। तो फर्स्ट एल एच एस आएगा, एल एच एस ले लिया जो है ए क्यूब प्लस सी क्यूब, और उसके अपान में दे रखा ए स्क्वेयर बी और सी स्क्वेयर डी। तो यहाँ पर जो स्क्वेयर के बाद ए स्क्वेयर बी, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इनकी वैल्यू रखने वाले ये वाले। अब यहाँ ए है वहाँ हम रखेंगे बी के, और जहाँ सी है वहाँ रखेंगे डी के। तो एल एच एस बराबर ए क्यूब है तो हमारा ए की जगह आएगा बी के, तो बी क्यूब और के क्यूब आ जाएगा, और सी बराबर है डी के, तो यहाँ प्लस सी रखने वाले हम डी क्यूब और के क्यूब अपॉन में। अब यहाँ ले रखा है ए स्क्वेयर, तो हमें रखना ए बराबर बी के, तो बी के रख देंगे। तो बी स्क्वेयर यहाँ स्क्वेयर है तो बी स्क्वेयर के स्क्वेयर, और बी बच रहा है तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई बी, ये बी बच रहा है इनके बीच में मल्टीप्लाई था तो हमने मल्टीप्लाई रख दिया। अब यहाँ प्लस, तो प्लस लगा दिया, सी बराबर है डी के, तो यहाँ स्क्वेयर है तो ये आ जाएगा डी स्क्वेयर और के स्क्वेयर मल्टीप्लाई, यहाँ डी बचा तो वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इनका इनमें कॉमन ले लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका और इसमें कॉमन ले लेंगे। एल एच एस, तो इसमें कॉमन आ रहा है के क्यूब कॉमन आ रहा है, तो के क्यूब कॉमन ले लिया, बचा बी बी क्यूब प्लस डी क्यूब अपॉन में। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी स्क्वेयर के स्क्वेयर का बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी क्यूब, ये स्क्वेयर था एक और बी आ गया तो उसका मल्टीप्लाई होगा, तो बी क्यूब और के स्क्वेयर प्लस इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा डी क्यूब और के स्क्वेयर। अब इनमें से भी हमें कॉमन लेना है, तो इसमें कॉमन है के स्क्वेयर कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे एल एच एस बराबर, तो ये ऊपर वाला सेम रहेगा के क्यूब और बी क्यूब प्लस डी क्यूब अपॉन में, इसमें आ जाएगा के स्क्वेयर कॉमन है, के स्क्वेयर कॉमन ले लिया हमने, ये कॉमन ले लिया। अब बचेगा यहाँ बच रहा बी क्यूब और डी क्यूब, तो बी क्यूब प्लस डी क्यूब ब्रेक एवन। अब यहाँ इस बी क्यूब से ये बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, इस डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल हो गया, तो बच रहा है यहाँ पर के स्क्वेयर या के क्यूब और के स्क्वेयर, तो स्क्वेयर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन, ये स्क्वेयर से हम क्यूब को काट देंगे तो वन बचा के, तो एल एच एस में बच रहा है ओनली के, तो यहाँ के बच रहा है। अब हमें देखना है कि राइट हैंड साइड भी के बच रहा है या नहीं है, तो हम लेंगे राइट हैंड साइड आर एच एस, जिसमें दे रखा हमें ए बी प्लस सी डी, और यहाँ दे रखा बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, तो इसमें भी हम वही रखने वाले, ए बराबर हम रखेंगे बी के और सी बराबर रखेंगे डी के, तो आर एच एस लिख लेते हैं, ए बराबर आ जाएगा बी के, और ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई तो आ जाएगा मल्टीप्लाई, और बी आ जाएगा ये, और प्लस सी बराबर है डी के, तो यहाँ रखेंगे डी के मल्टीप्लाई और डी,
क्योंकि सी और डी के बीच में मल्टीप्लाई रहेगा। इसके अपान में बी स्क्वेयर और प्लस डी स्क्वेयर। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप आएगी, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के का मल्टीप्लाई बी से होगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वेयर के, बी स्क्वेयर के प्लस डी के का डी से मल्टीप्लाई होगा तो डी स्क्वेयर के अपॉन में बचेगा बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी, अब इन्हें कॉमन लेना है डी बी स्क्वेयर के और प्लस डी स्क्वेयर के, तो इसमें कॉमन है के, तो के हम ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर और अपॉन में है बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो यहाँ पर भी डी स्क्वेयर से डी स्क्वेयर कैंसिल, डी स्क्वेयर से डी स्क्वेयर कैंसिल, तो ओनली बच रहा है यहाँ पर के, तो आर एच एस इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर भी के आ रहा है, एल एच एस भी के है और आर एच एस भी के, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ एल एच एस बराबर आर एच एस। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है कि एल एच एस बराबर आर एच एस है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।